अब तक की पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि कल्याण पदाधिकारी शुभ नारायण दत्त की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलर से कराई गई थी। भाजपा नेत्री के पति मोहम्मद अली पर आरोप है कि उसी ने कॉन्ट्रैक्ट किलर के द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि हत्या के लिए उसने ही इन दोनों को सुपारी दी थी। पटना पुलिस दो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट किलर के आरोप में गिरफ्तार भी कर चुकी है। यह दोनों सीतामढ़ी के ही रहने वाले हैं। इसकी स्वीकृति बयान में मोहम्मद अली का नाम सामने आया है। 31 मई की शाम डुमरा थाने के कैलाशपुरी बाप्रसाद रोड में बाइक सवार तीन अपराधियों ने तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी शुभ नारायण दत्त को गोलियों से भून दिया था। यह घटना उस समय घटी जब वह कार्यालय से आकर टहल रहे थे। उन पर गोली चलाने वाले अपराधी एक पल्सर बाइक पर सवार होकर कैलाशपुरी की ओर से आए थे। कल्याण पदाधिकारी को लक्ष्य कर अंधाधुंध फायरिंग कर भाव प्रसाद की ओर भाग चले थे। इस मामले में मत अधिकारी के पुत्र ने अज्ञात के विरुद्ध डुमरा थाना में प्राथमिकता दर्ज कराई थी। शुभ नारायण दत्त मूल रूप से मधुबनी जिला के निवासी थे। उनका परिवार पटना के राजीव नगर में रहता है। वह कैलाशपुरी में किराए के मकान पर अकेले रहते थे। दिनांक 31 जुलाई 2018 को सीतामढ़ी जिला अंतर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी श्री शुभ नारायण महतो जी की हत्या कर दी गई थी। सीतामढ़ी सीनियर एसपी से मिली इनपुट एवं उनकी टीम के साथ संयुक्त छापामारी करते हुए पटना पुलिस ने उस कांड में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दीघा कुर्जी पर से उनमें से एक मेन शूटर जो है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और उसके पास से ये पिस्टल और जिंदा राउंड गोली भी बरामद हुई है। उसके पास से कई मोबाइल बरामद हुए हैं जिसको ये यूज करता था। इन्होंने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है कि इनको सुपारी मिली थी। चिरंजीव सागर एक जेल में बंद अपराधी है, उसने इनको 5 लाख रुपए का ठेका दिया था और उसके बाद उनकी हत्या करने की प्लानिंग बनाई गई थी। क्योंकि वो शाम को टहलने के लिए निकलते थे, उसी क्रम में एक व्यक्ति इसमें जो पकड़ा गया है उसने लाइनर का काम किया था, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। दो मुख्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है। सीतामढ़ी पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है। हम लोगों ने पूरी तरह से उनको सेव किया और पटना पुलिस ने कामयाबी हासिल की है कांड का उद्भेदन में उनके साथ मिलकर।